नमस्कार, आरएचएमई की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेस्ट ट्रॉमा के ऊपर। चेस्ट ट्रॉमा मतलब छाती में चोट लगना, ट्रॉमा के टाइम में मतलब एक्सीडेंट के टाइम में जब छाती में चोट लगती है तो उस टाइम पे उस ट्रॉमा के पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि उस पेशेंट की ऑन द स्पॉट डेथ का कारण बनते हैं, और कैसे ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करना, कैसे पेशेंट को हॉस्पिटल से शिफ्ट करना है, उन सारी बारीकियों पे हम बात करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से इन पेशेंट की रिकवरी के चांसेस को हम बेटर कर सकते हैं अगर टाइमली इंटरवीन करें और टाइमली पेशेंट को शिफ्ट करें। तो एक बार क्रम वाइज समझते हैं एक एक चीज को कि ट्रॉमा, चेस्ट ट्रॉमा में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देखिए, हम समझते हैं कि जब चेस्ट ट्रॉमा होता है, देखिए चेस्ट में दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं जो मेन वाइटल ऑर्गन्स हैं, एक तो लंग्स हैं, दूसरा हार्ट है। लंग्स में क्या है, लंग्स का जो मेन काम है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना है, कि मतलब ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ऐसे ही जो हार्ट है वो उसका पंपिंग का काम करता है, जिसकी वजह से आपके सर्कुलेशन मेंटेन होता है, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है और हर ऑर्गन तक खून पहुंचता है। अब जैसे ही चेस्ट ट्रॉमा होता है तो दो इश्यूज होते हैं, या तो लंग्स के चारों तरफ हवा भर जाती है, मतलब जो एयर है जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो हमारे लंग्स के अंदर से निकल के फिर हमारे चारों तरफ, लंग्स के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से एक टेंशन निमोथोरैक्स डेवलप होता है। मतलब आप समझिए कि जैसे कि ये लंग है, इसके चारों तरफ एक लेयर होती है इस तरह से जो कि इसको चारों तरफ से कवर करती है। लेकिन होता क्या है कि जब लंग्स इतना रह जाता है, उसके चारों तरफ जो है वो इस तरह से एक कैविटी हो जाती है जहां पे हवा भर जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ट्रॉमा है इस तरीके का होता है कि इसमें क्या है, एक तो तरीका ये होता है कि जो छाती है, लंग्स है, वहां पे सीधा ट्रॉमा हुआ, फ्रैक्चर हुआ और ओपन इंजरी हुई। मतलब जब भी आप सांस ले रहे तो यहां से हवा अंदर एंटर कर रही है, तो जब बाहर से हवा एंटर करेगी तो ये एरिया जो है यहाँ पे हवा इकट्ठी होने जाएगी और लंग्स जो है कोलैप्स कर जाएगा। तो ऐसे क्षण में जो जिसको हम बोलते हैं ओपन चेस्ट इंजरी बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसे क्षण में हमें कुछ ऐसी चीज का ध्यान रखना है कि जिससे उस ओपनिंग को हम बंद कर सकें, क्योंकि जब तक पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचेगा तब तक उस एरिया में इतना एयर भर चुकी होगी कि लंग्स वो पूरा कोलैप्स कर जाएगा और पेशेंट की ऑक्सीजन गिर जाएगी, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ऐसे पेशेंट को हमको ध्यान से उसके जो ओपनिंग है जो कि चेस्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, जहां से हमें पता चल रहा है पेशेंट को हवा अंदर जा रही है, ऐसे पेशेंट की जो ओपनिंग को उसको क्लोज करके पेशेंट को शिफ्ट करना है। यही एक चीज है जो कि हम ट्रॉमा के टाइम पे किसी भी चेस्ट में जो इंजरी होती है एज अ प्राइमरी इमरजेंसी केयर प्रोवाइडर हम मैनेज कर सकते हैं और उसके साथ फिर पेशेंट को शिफ्ट करें। इसके अलावा अगर कोई इंटरनल कारण है जिसकी वजह से ऐसी हवा आ रही है उसको हम मैनेज नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर मान लीजिए हार्ट के अंदर अगर चारों तरफ ब्लड इकट्ठा हो जाए और हार्ट की पंपिंग कोलैप्स हो जाए, क्रैश कर जाए, तो उसको भी हम मैनेज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं हमको ध्यान देना है। और ऐसे पेशेंट अगर आपके सामने आता है जिसमें कोई ओपन चेस्ट इंजरी है, मतलब चेस्ट के ऊपर कुछ ओपनिंग है, जब आप सांस अंदर खींच रहे हैं तो हवा बाहर के अंदर जा रही है, तो ऐसी ओपनिंग को क्लोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पेशेंट जो है निमोथोरक्स डेवलप हो जाती है कि लंग्स के चारों तरफ हवा इकट्ठा हो जाती है और उस लंग को इतना कोलैप्स कर देती है कि पेशेंट को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एबनॉर्मल हो जाता है। अब देखिए, इसको हम जो ओपन चेस्ट इंजरी को हम सकिंग चेस्ट इंजरी भी बोलते हैं। सकिंग चेस्ट इंजरी का मतलब क्या है कि जब इस एरिया में जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो एक तो नाक से सांस जाएगी और एक उस ओपनिंग से भी सांस जाती है, हवा जाती है अंदर की तरफ, जो कि लंग्स के चारों तरफ एक कैविटी की तरफ उसमें एयर इकट्ठा हो जाती है और लंग्स को कोलैप्स कर देती है। जैसे मान लीजिए ये आपका चेस्ट है और इसके ऊपर ये जो लेयर है ये पड़ी हुई है। अब मान लीजिए यहाँ पे चोट लगती है और जब आप सांस को अंदर खींचते हैं तो एक हवा जो है यहाँ से भी एंटर करती है, जो कि चारों तरफ जो कैविटी है उसमें हवा इकट्ठा होने की वजह से जो लंग्स है वो इतना छोटा सा रह जाता है, और हवा इतनी भरने की वजह से क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता और पेशेंट जो है क्रैश कर जाता है। ऐसे पेशेंट में अगर टाइमली वो जो ओपन जो चेस्ट इंजरी है जिसको हम सकिंग चेस्ट इंजरी बोलते हैं, जिसमें आपको आवाज सुनाई देगी, जैसे ही पेशेंट सांस अंदर खींचेगा तो ऐसा लगेगा आवाज अंदर बाहर जा रही है और जैसे ही छोड़ेगा तो बाहर आ रही है, तो इस प्रकार की साउंड आपको सुनाई देगी। ऐसे पेशेंट्स में किसी भी पॉलिथीन को एनवलप को वहां पे लगा के हाथ से दबा के चारों तरफ अगर टेप है उसको सील करके, ताकि पेशेंट के अंदर उस लंग्स के अंदर हवा ना जाए और पेशेंट को जब हम शिफ्ट करें तो एक निमोथोरेक्स जैसा स्ट्रक्चर डेवलप ना हो, एक हवा
डूमा स्ट्रक्चर डेवलप ना हो जिससे लंग कोलैप्स हो जाए और इस तरीके से हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें आप समझें कि ये देखिए ये स्टर्नम है, यहाँ पे आपको चोट लगी, ये फ्रैक्चर हो गया और अंदर से हवा की आ रही है, तो हमने इस ओपनिंग को जो सक्शन जो चेस्ट इंजरी है उसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉलिथिन लगाया और चारों तरफ से टेप लगा के उसको सील कर दिया। उस सीलिंग करने से क्या हो गया कि भी एयर जो है जो भी अंदर जा रही थी उसको हमने रोक दिया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप सील कर रहे हैं तो एक दो बार जब भी पेशेंट एक्सपायर करे मतलब सांस छोड़े तो हल्की सी ओपनिंग को खोल दें ताकि अंदर जो भी हवा इकट्ठा हुई हुई है वो सांस की छोड़ने से निकल जाए, और जब अगली बार जब सांस अंदर लें तो वहां से हवा ना जाए। तो ऐसे दो तीन बार आप जब कर देंगे तो अंदर की जितनी भी एयर जो पची हुई है वो बाहर निकल जाएगी और पेशेंट एक कंफर्टेबल तरीके से पेशेंट को हम शिफ्ट कर पाएंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी सक्शन चेस्ट इंजरी या मतलब ओपन चेस्ट इंजरी जिसमें आपकी एक्सटर्नल अगर ओपनिंग है तो ऐसे पेशेंट को शिफ्ट करने से पहले एक पॉलिथिन रैप करके चारों तरफ से सील करके और उसके साथ साथ जब सांस पेशेंट छोड़ रहा है उस टाइम पे अगर फ्लैप को खोल के सांस को छुड़वा के फिर सांस जब अंदर ले रहा है तो बंद कर दें, फिर छोड़ रहा है तो खोल दें, फिर बंद कर रहा है तो कर दें। इस प्रकार की प्रक्रिया करके लंग्स के अंदर जो हवा इकट्ठा हो जाती है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं और पेशेंट के जो ब्रीदिंग जो इश्यूज हैं उसको नलीफाई करके पेशेंट को आराम से हॉस्पिटल तक शिफ्ट करके ले जा सकते हैं। अब यही इसमें मेन चीज यही है कि हमें हमारा जो कंसर्न चेस्ट ट्रॉमा में एज अ प्राइमरी इमरजेंसी केयर प्रोवाइडर हमारा मेन फोकस केवल और केवल सक्शन चेस्ट इंजरी या जो ओपन चेस्ट इंजरी पे ही है। मेन कंसर्न ये है कि जब आपका जो चेस्ट ओपन होता है तो एयर जो है उसके अंदर एंटर कर जाती है और उसकी वजह से जो लंग के चारों तरफ हवा इकट्ठा होने की वजह से वहां पे सांस लेने में दिक्कत होती है, पेशेंट को अनकंफर्टेबल होता है, पेशेंट को ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को शिफ्ट करने से पहले आपको प्रॉपर उसको एनवलप करके प्रॉपर पॉलिथिन से क्लियरली उसको सील करके चारों तरफ से टेप लगा के तब पेशेंट को शिफ्ट करना है ताकि पेशेंट की रिकवरी के चांसेस को हम बेटर कर सकें। इसके अलावा जो और कारण है लंग इंजरीज के या हार्ट इंजरी के उसमें एज अ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट में तो केवल यही तरीका है कि जितना जल्दी से जल्दी